हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंक। तो आज की वीडियो जो है ये, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि किस तरीके से, जो आप अगर इनिशियल फेज अपने करियर के में हो तो क्या चीजें जो है आपको करनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो पर्सनली मेरे को बहुत हेल्प करी जिन चीजों ने, और आज मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं अगर अपने करियर के अंदर, तो इन चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा इन चीजों को जो है आई होल्ड दीज थिंग्स अकाउंटेबल फॉर, क्या भाई इन चीजों की वजह से अगर ये ना करता मैं शायद, तो आज शायद मेरा करियर इस लेवल पे ना होता जहां पे अभी मैं हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज के जब आप ज्वाइन कर रहे हो एक कंपनी, ठीक है, तो आपके मन में ना एक हसल वाला माइंडसेट होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि भाई मैं बस अब बस पढ़ाई करनी थी, जो हमें सिखाया जाता है कि भाई बस ये कर लो, ट्वेल्थ कर लो, उसके बाद खत्म है, तुम मेहनत नहीं होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद मेहनत नहीं है, उसके बाद तुम अपना जॉब ले लो, फिर मेहनत मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जब तक आप मतलब आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सही से आप सब कर रहे हो, मेहनत आपको करनी चाहिए। मैं उसी हक में बात करने वाला इंसान हूं। और इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हो कहीं पे भी, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, जो आपने अभी तक कॉलेजेस में सीखा है, जो भी पढ़ाई में सीखा है, उसको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो वहां पे आपको स्ट्रगल लगता है। और वो स्ट्रगल आपने अगर ठीक से कर लिया तो आपका करियर आगे जाके बहुत सेट हो जाएगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम्स आप थ्रू आउट करियर फेस करते ही जाओगे। ठीक है, तो पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस आपको ऐसा होना है कि आपके सामने कोई अगर किसी ने वर्ड बोल दिया और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज क्या है, मतलब आपके आप सो ना जब तक आपको वो समझ ना आ जाए कि भाई ये जो वर्ड बंदे ने बोला था ये क्या चीज थी। ठीक है, तो इस लेवल का आपको क्यूरियोसिटी चाहिए अगर आप अपने करियर में अच्छा करना चाहते हो, चाहे वो टेक्निकल जार्गन्स ही हो, चाहे आपको एक लाइन ही पता उसके बारे में, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर कुछ बात हो रही है, एक टेक्निकल डिस्कशन हो रही है, तो उसमें जो भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो आप क्लियरली समझ रहे हो, और उसका आउटपुट जो आप अपने दिमाग में उसका आउटपुट बना रहे हो वो सही बना रहे हो। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत जरूरी है। और ये कैसे आएगी, हसल वाली जो बात बोल रहा था कि आपने सुना, अब देखो आप सुन के उसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट अगर आपने सुना और आपको उस टाइम पे नहीं समझ आया, बट आपने नोट डाउन करे वो वर्ड्स, एंड जब आप मतलब फ्री हुए उस मीटिंग से, डिस्कशन से, या आपने कहीं पे आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो आप उस टाइम पे ही अगर नहीं भी सर्च कर पा रहे तो आप वर्ड को नोट करके रखो या उस चीज को नोट करके रखो, एंड यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट आफ्टर लाइक व्हेन यू गेट टाइम, तो वहां पे आप ऐसी इस टाइप से जो है उस चीज को जो है कर सकते हो। और सेकंड चीज, तो ये हो गया पहली चीज, तो आपको क्यूरियस रहना। ठीक है, फिर सेकंड चीज आपको इम्प्लीमेंटेशन का की इंपॉर्टेंस समझनी है कि थ्योरेटिकली जो चीज होती है और जो प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो उसमें बड़ा फर्क होता है। तो थ्योरेटिकली हो सकता है कोई चीज लग रही हो यार ये छोटा सा पार्ट है, एक दिन में हो जाएगा, बट ये विद एक्सपीरियंस आपको समझ आएगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें लगेगी, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो हाउ थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, बट अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस चीज को सीखने पे फोकस करोगे कि यार मैंने ये सोचा था कि एक दिन का काम है, अब इम्प्लीमेंट करते हुए मेरे को दो दिन लगे, और क्यों लगे दो दिन, उसका अगर बाइफर्केशन आपको पता है तो आप बहुत इजीली आप समझ पाओगे, अच्छा इसमें अब मेरे को अगर ऐसा टास्क आता है कभी तो मुझे क्या करना है, कितना एस्टिमेट होगा। क्योंकि इंजीनियर्स अगर एक एस्टिमेट अच्छा देंगे तो आपकी उसमें आपकी रेपुटेशन बहुत फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, आपने बोला दो दिन में आपका काम हो जाएगा, तो अगर वो दो दिन में आप डिलीवर कर रहे हो तो पीपल कैन ट्रस्ट यू ऑन दैट, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है, इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आपको इस चीज पे फोकस करना है। और सेकंड चीज के आप कभी भी किसी चीज को ये मत बोलो यार ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसको ट्राई जरूर करो, ठीक है, लड़ के और फिर हार जाओ, बट बिना लड़े मत हारो, ये मैं आपको मतलब बोलना चाहूंगा। कुछ भी बात हो रही है, गिव इट योर 100%, गिव इट योर 200%, बट यार 0% देके मना मत करो यार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई नई चीज आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार ये कैसे होगा, मतलब बहुत ही अलग चीज, घुस जाओ कर दो उसको। ठीक है, कुछ तो होगा, या तो आप बहुत ज्यादा सीख लोगे या वो चीज ही हो जाएगी, बट आप सीखोगे जरूर। ऐसा नहीं होगा कि आप करोगे और आप सीखोगे नहीं कुछ, मतलब भद्सत क्या होगा कुछ नहीं होगा, बट हाँ उसमें आप सीखोगे जरूर। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम कहीं पे भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ऐसा होता है कि हम पूछते हैं लोगों से, बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए अगर आप कहीं पे अटक रहे हो तो। ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई आप बैठे रहो और एक प्रॉब्लम पे बैठे रहो, आप अटके रहो, आपको नहीं समझ आ रहा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपना होमवर्क करो पहले और फिर पूछो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्योंकि कोई चीज जल्दी देनी है तो आपने बस डायरेक्टली आपके पास कुछ आया, आपने सीनियर को आपने बोला भाई ये कैसे होगा, उसने बता दिया, आप इससे एक तो पहली चीज सीख नहीं रहे हो, दूसरी चीज जो आपका सीनियर है वो आपसे होने वाला है इरिटेट। ठीक है, क्यों होने वाला है? क्योंकि एक या दो बार आपकी हेल्प कर देगा, बट अगर आपका ये बिहेवियर आपका पैटर्न बन गया तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, आप सीख नहीं पाओगे नई चीजें जल्दी जल्दी, और लोग आपकी एक पॉइंट तक हेल्प करते हैं और उसके बाद फिर वो भी उनको भी होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब आप ये चीजें खुद करो, बट अगर वो आपका पैटर्न सेट हो गया तो आप वो पैटर्न में ही घूमते रहो और वैसा ही करोगे। तो अपना होमवर्क पहले करो फिर पूछो, ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि आपने एक्चुअली में आपने समझा, कोशिश करी है, एंड देन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और बार बार जो मैं नीचे देख रहा हूँ, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो वही पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पॉइंट्स जो है अपने साथ साथ जो है देख रहा हूँ। अब जो पांचवा पॉइंट है उसमें क्या है, जो हम बात कर रहे हैं अभी कि आप डेडलाइन अच्छी दो, क्यूरियस रहो, होमवर्क, तो इससे क्या होगा आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपको क्रिएट करने ऑर्गेनाइजेशन में, कि लोग आपकी जो आपने बोल दिया लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अगर किसी कोई मुझे काम मिला है तो वो काम मैं डिलीवर करूंगा एंड तक, मतलब एंड तक उसको लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, अब अगर मैं कर रहा हूं वो चीज तो मैं अकाउंटेबल हूं, अगर मैं मतलब ठीक है जब तक मेरे से कोई पूछ नहीं रहा तब तक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी वहां पे मतलब बहुत ही पुअर है, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पांच पॉइंट। ये पांचों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इनिशियल फेज में हो अपने करियर के, 5 साल स्टार्टिंग, अगर आपने ये बिल्ड कर ली, 2-3 साल के अंदर ये चीज बिल्ड कर ली, तो उसके बाद आपका करियर बहुत स्मूथ जाने वाला है। ठीक है, और इसके बाद एक जो है अकाउंटेबिलिटी वाली बात तो हो गई हमारी, बट एक चीज और जो है अकाउंटेबिलिटी के साथ एक वर्ड और हम ज्वाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज आती है, घर के बड़े लड़के वाली जो बात होती है, ये सेम चीज आपके ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं या नहीं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी मैनेजर के लिए। और ये कैसे पता लगता है, आपके काम से पता लगता है, आपको कोई टास्क दिया गया, वो टास्क में आपने कैसे परफॉर्म किया, वहां से ये अकाउंटेबिलिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोर निकल के आता है। तो ये बहुत टाइटली कपल्ड चीजें हैं। अगर मैं एक क्लियर डेफिनेशन में भी जाना चाहूं तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपकी बात पे आप कितना होल्ड कर रहे हो। ठीक है, आप कैसे, आपको एक टास्क दिया है तो आप एंड तक उसको लेके गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है बहुत ही मतलब बहुत फाइन डिफरेंस है दोनों के अंदर। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है कि हाँ अगर इसको कोई टास्क हमने दिया तो ये कर लेगा। ठीक है, वो चीज आपकी हो गई कि रिस्पॉन्सिबल हो आप। अकाउंटेबल के अंदर कि अगर उसमें कुछ खराब भी हो गया ना उस टास्क में तो आपका गला पकड़ा जाएगा। क्या आप उस लेवल पे हो कि लोग आपको आके पूछे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये आपके मैनेजर के पास जा रहे हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये चीजें अगर आप जो है अपने इनिशियल फेज के करियर में कर लोगे तो आगे का करियर आपका बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे तो वो 9 to 5 वाले चक्कर में आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, आप फिर वीडियोज ही देखते रहोगे सिर्फ, और एक्चुअली में कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत क्लियर एंड क्रिस्प बात कर रहा हूँ मैं, एंड वीडियो को यहाँ तक देखा तो यार लाइक जरूर कर देना। अपनी जर्नी के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, चैनल में जाओ और खोल के देखोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि आपकी हेल्प कर सकती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखो। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय।